आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अभी अपने मायके आ रखी हूँ और जैसे ही मायके पहुँची तो मेरी जो भतीजियाँ हैं, मेरे बेटे, वो सारे जिद करने लगे, चलो मम्मी हमने तालाब बना रखा है, बुआ चलो चलो जल्दी चलो आपको भी दिखाती हूँ कैसा तालाब बना रखा है इन्होंने। ये देखिए, ये है मेरा मायका और ये आड़ू का पेड़। और ये देखो मेरी मम्मी आड़ू निकाल रही है, हमारे लिए निकाल रही है क्योंकि हमने आज ही जाना है घर। और बड़े स्वादिष्ट होते हैं ये आड़ू, और वैसे भी मायके की हर चीज़ अच्छी होती है ना। ये माल्टे के पेड़ है, ये यहाँ सारे देखो। चलो फिर चलते हैं धारा। ये देखो, ये बना रखा है बच्चों ने तालाब, और बच्चे बड़े सभी इसमें डुबकी लगा के हाँ देखो छाता लेके आए थे और कूद पड़े तालाब में। ए गुनी, यहाँ देखो। देखो बारिश भी हो रही है लेकिन फिर भी बच्चे इतने ही बच्चे यहाँ आ रखे हैं, जो और थे वो शायद नहीं आए। और इनका तो रोज का काम है यहाँ आना और नहाना, यहाँ डुबकी लगाना। इन लोगों ने यहाँ तालाब बना रखा है शायद। ये है दो बड़ी बड़ी लड़कियाँ, ये मेरी भतीजियाँ हैं, ये इनको बहला फुसला के यहाँ इस बारिश में ले आए नहलाने के लिए। तो यही है लच्छीवाला, और बच्चे यहाँ स्नान करने आते हैं, पूरे मोहल्ले के बच्चे आते हैं। इन्होंने यहाँ का नाम ही लच्छीवाला रखा है। मैंने तो देहरादून में लच्छीवाला सुना था और यहाँ आके मिनी लच्छीवाला देख लिया। और बारिश भी हो रही है फिर भी यहाँ आ रखे हैं नहाने। देखो कितना ठंडा लग रहा है, थर 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 कांप भी रहे हैं। कैसे लगा आपको हमारा गांव का तालाब? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ये वही जोक तो नहीं है? ये देखो बच्चे नहा के अब घर जा रहे हैं। बड़े ही खुश थे जब तालाब में डुबकी लगा रहे थे, लेकिन अभी बहुत ठंडा लग रहा है शायद इनको, और कांपते कांपते जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में फिर से आएंगे शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। और हम भी अब घर जा रहे हैं। गुनी कुछ बोलो बेटा। फ्रेंड्स, आज हम तालाब में
मेरी भतीजी बोल रही है कुछ, अभी वो कांप रही है ना ठंडे से, इसलिए उसकी आवाज नहीं निकल रही है। हेलो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँ, मम्मी की बैंगल से आई थी यहाँ, मेरी मम्मी तो हम ना गए, हमको तंदूर लग गया बहुत दूर से, मुझे लौटा तो दे, हमको लग रहा हम मुझे चल नहीं पा रही, मैं तो चल नहीं पा रही। हम डंडी का क्या करोगी बेटा, इससे वापस डाल दो। ये कहाँ से लाए भाई? ये है मेरी भतीजी, अब ये जा रही है देहरादून। अभी थोड़ा खुश दिख रही है, कल रात रो रही थी, नहीं जा रही, मेरे पेट में दर्द हो रहा, पता नहीं, खुश भी दिख रही है, थोड़ा गुमसुम भी है। 5000 रुपया और बता, 5000 रुपया चाहिए इसको, इससे पहले मत रुकिया। 5000 रुपया पैसे इकट्ठा, खोले बुगले इकट्ठा, पूरी गाड़ी निकाला।